क्या अब गालियों से जीता जाएगा मैच? गंभीर और श्रीसंत के बीच हुआ कांड, विराट और सहवाग भी आए लपेटे में। दोस्तों, लीजेंड्स लीग क्रिकेट में एक लाइव मैच के दौरान भारत के दो पूर्व क्रिकेटर्स गौतम गंभीर और श्रीसंत भिड़ गए। बुधवार को सूरत में इस लीग के एलिमिनेटर मैच में गुजरात जायंट्स और इंडिया कैपिटल्स की टीमें आमने सामने थी। जहां गंभीर कैपिटल्स के कप्तान हैं, वहीं श्रीसंत गुजरात के गेंदबाज, और इसी मैच में दोनों के बीच में जमकर बवाल हुआ। इतना ही नहीं, मैच के बाद श्रीसंत ने एक्स पर वीडियो डालकर गंभीर पर निशाना साधा है और ऐसी ऐसी बातें बोली कि जिससे कि अब ये बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पर सवाल ये है कि आखिरकार ये कांड शुरू कैसे हुआ? तो आपको बता दें कि लेजेंड्स लीग के एलिमिनेटर मैच के दौरान गुजरात के कप्तान पार्थिव पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इंडिया कैपिटल्स के लिए कर्क एडवर्ड्स और गंभीर ओपनिंग करने के लिए आए। अपनी 30 गेंदों में 51 रनों की पारी में कैपिटल्स के कप्तान गंभीर ने श्रीसंत को कुछ चौके लगा दिए। अब बॉल को पिटता देखकर लाइव मैच में ऐसा दिख रहा है कि इसके बाद श्रीसंत ने हताशा में गंभीर की ओर देखा और कुछ शब्द कह दिए। इसके जवाब में गंभीर ने इस तेज गेंदबाज को घूर कर देखा और इशारा किया। अब बस यही वो लम्हा था जहां से ये विवाद शुरू हो चुका था। लेकिन इस विवाद में आग तब डली जब एक फैन ने सोशल मीडिया पर स्टैंड से रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो को पोस्ट कर दिया, जो कि कैपिटल्स के किसी बल्लेबाज के आउट होने के समय का था। उस ब्रेक के दौरान गंभीर और श्रीसंत के बीच फिर से शब्दों का आदान प्रदान शुरू हुआ और मैच खत्म होते होते ये कांड इतना बड़ा हो गया कि इसके बाद श्रीसंत को अपना पक्ष रखने के लिए वीडियो पोस्ट करनी पड़ी। श्रीसंत इस वीडियो में ये कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि मिस्टर फाइटर के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में मैं कुछ स्पष्ट करना चाहता हूँ। मिस्टर फाइटर बिना किसी कारण के अपने सभी साथियों से लड़ता है। वो वीरू भाई यानी कि वीरेंद्र सहवाग समेत अपने सीनियर खिलाड़ियों और कई लोगों का सम्मान भी नहीं करते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ। बिना किसी उकसावे के वो मुझे कुछ ऐसा कहते रहे जो कि बहुत ही असभ्य है। ये बात गौतम गंभीर को कभी नहीं कहनी चाहिए थी। देर सवेर आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया और जो चीजें उन्होंने क्रिकेट के मैदान पर कही वो स्वीकार्य नहीं है। इतना ही नहीं, गंभीर पर तंज कसने के लिए श्रीसंत ने विराट कोहली को भी लपेटे में ले लिया। दरअसल श्रीसंत ने अपनी वीडियो में कहा कि अगर आप अपने ही सहयोगियों का सम्मान नहीं करते हो तो टीम या लोगों का प्रतिनिधित्व करने का क्या ही मतलब है। किसी इंटरव्यू में जब उनसे विराट कोहली के बारे में पूछा जाता है तो वो कभी नहीं बोलते हैं और कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो मैं यहाँ बता नहीं सकता, और मैं इससे अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत आहत हूँ, मेरा परिवार आहत है, मैंने बुरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। आपको बता दें कि श्रीसंत की वीडियो पर गंभीर ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बता दें, गंभीर और श्रीसंत साल 2007 के T20 विश्व कप और 2011 वनडे विश्व कप में विजेता भारतीय टीम का हिस्सा थे। ये सब विवाद के बाद अगर मैच की बात करें तो गंभीर ने अपनी पारी में 7 चौके और 1 छक्का लगाया और वो अपनी टीम की ओर से सर्वोच्च स्कोरर भी रहे। कैपिटल्स ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 223 रन बनाए। जवाब में गुजरात की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 211 रन ही बनाए और अब गंभीर की टीम ने क्वालिफायर 2 में अपनी जगह पक्की कर ली है। वैसे इस लड़ाई में कौन सही या कौन गलत हो सकता है, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।